आसमान में उड़ान भरने वाला एक अद्भुत यंत्र जिसे हवाई जहाज कहा जाता है, इसे बनाने में कितनी लागत आती है आइए जानते हैं। हवाई जहाज बनाना कोई आसान काम नहीं है, इसमें बहुत सारी तकनीक, मेहनत और पैसे की जरूरत होती है। सबसे पहला खर्चा है विमान के डिजाइन और रिसर्च का। विमान कंपनियों को नया हवाई जहाज डिजाइन करने और उसकी टेस्टिंग करने में करोड़ों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। यह खर्च इसलिए होता है ताकि नया विमान सुरक्षित और उन्नत हो सके। दूसरा बड़ा खर्चा है उत्पादन का। हवाई जहाज के निर्माण में बहुत ही अच्छे मटेरियल का उपयोग होता है, जैसे एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और कंपोजिट्स। इन मटेरियल की लागत बहुत अधिक होती है। इसके अलावा उत्पादन प्रक्रिया में अत्याधुनिक मशीनों और अच्छे काम करने वालों की भी आवश्यकता होती है, जिनकी लागत भी काफी होती है। इसके अलावा हवाई जहाज का इंजन भी बहुत महंगा होता है। एक इंजन की कीमत करोड़ों डॉलर तक हो सकती है। इसमें लगने वाले तकनीकी उपकरण और सामग्री की अच्छी क्वालिटी के कारण इसका खर्चा बहुत अधिक होता है। हवाई जहाज के अंदरूनी हिस्सों जैसे कि सीटें, कॉकपिट उपकरण, एवियोनिक्स सिस्टम आदि का भी खर्चा होता है। यह सभी उपकरण अच्छी क्वालिटी और बेहतर तकनीक से बने होते हैं, जिससे इनकी कीमत और भी बढ़ जाती है। विमान बनाने के बाद इसे सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है, यह पक्का करने के लिए कि विमान उड़ान भरने के लिए सुरक्षित है या नहीं। कई टेस्ट और निरीक्षण किए जाते हैं, इस प्रक्रिया में काफी खर्च आता है। तो कुल मिलाकर एक हवाई जहाज को बनाने में कई करोड़ों डॉलर खर्च हो जाते हैं।